हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 3 का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियोसोम या पैकेजिंग ऑफ डीएनए एज क्रोमोसोम्स। ठीक है, यूनिट 3 में पहला टॉपिक है कि डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट। ये शायद सबको पता होगा। ठीक है, तो आज आप लोग असाइनमेंट में लिखोगे कि डीएनए एंड आरएनए जेनेटिक मटेरियल कैसे हैं और उनमें क्या डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में। ये आप लोगों का असाइनमेंट है। ठीक है, आज उसके बाद वाला टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए एज क्रोमोसोम्स, इसको देख लेते हैं। इसके नोट्स मैंने पहले दिए भी हुए थे लेकिन इसको समझा नहीं था, आज हम इसको समझाएंगे। और जिनको ये मेरे नोट्स दोबारा से लिखने हैं वो दोबारा से भी लिख सकते हैं, या जिनको पहले जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उसमें से अगर पढ़ने में आसानी हो तो उसमें से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो भी आप वर्क कंप्लीट करेंगे, चाहे पहले वाले नोट्स या आज वाले नोट्स, उसकी कॉपी मुझे भेजिएगा फोटो स्कैन करके। ठीक है, जिससे मैं समझ सकूं कि किन किन बच्चों ने काम किया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए एज क्रोमोसोम। साइज, डीएनए का जो साइज होता है या डीएनए का जो डायमीटर होता है, जो डीएनए का साइज होता है वो 2 मीटर से भी ज्यादा होता है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ क्लास में कि डीएनए का साइज 2 मीटर से ज्यादा होता है, मीन्स 2.2 मीटर है डीएनए की लेंथ। साइज से मतलब है उसकी लेंथ से यहाँ पर। ठीक है, यहाँ डायमीटर की अभी बात नहीं हो रही है। जो डीएनए की लेंथ है वो 2 मीटर होती है, लेकिन जो न्यूक्लियस का साइज है या न्यूक्लियस की जो डायमीटर है वो 10^-6 मीटर की होती है। तो 2 मीटर का डीएनए किस तरह से 10^-6 मीटर के न्यूक्लियस में अंदर कैद होके रह सकता है, आप लोग सोच सकते हैं। इसके लिए इसको कितना अपने आप को साइज छोटा करना पड़ेगा, अपने आप को कितना डेंस और कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा कि इतने छोटे न्यूक्लियस के अंदर ये घुस जाए। न्यूक्लियस का मतलब क्या है? यहाँ पे न्यूक्लियस का मतलब है कि सेल के अंदर वाला न्यूक्लियस। ठीक है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है उससे यहाँ मतलब है। तो इस डीएनए का साइज बड़ा, ठीक है, लंबाई ज्यादा, न्यूक्लियस की डायमीटर कम, तो उसमें कैसे घुस के रहे? सो डीएनए हैज टू बी पैक्ड इन सच अ वे सो दैट इट कैन एबल टू फिट इटसेल्फ इन न्यूक्लियस। ठीक है, वो अपने आप को न्यूक्लियस में फिट करके रखना है अगर उसको, तो उसमें अब उसको अपने आप को पैक करना पड़ेगा, बहुत ही टाइटली पैक्ड। ठीक है, तो जिसके कारण वो न्यूक्लियस के अंदर घुस के रह सके। अब डीएनए का डायमीटर आता है 2 नैनोमीटर होता है। ठीक है, जो डीएनए का डायमीटर है, डायमीटर का मतलब ये है कि अगर इस तरह से हम डीएनए को ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये जो इसकी ये वाला जो लेंथ है, ठीक है, जो इसकी डायमीटर है वो 2 नैनोमीटर की होती है। ठीक है, तो 2 नैनोमीटर क्या बोल रही है, आपको समझ में आ गया होगा, जो इसकी डायमीटर है डीएनए की वो 2 नैनोमीटर की होती है। उसके बाद निगेटिवली चार्ज डीएनए एसोसिएट विद पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन। अब सबको पता है कि डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से, जो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन के साथ बाइंड करके रहता है। ठीक है, हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज क्यों होते हैं? हिस्टोन्स आर बेसिक प्रोटीन्स हैविंग लाइसिन एंड आर्जिनिन अमाइनो एसिड, क्योंकि वो लाइसिन और आर्जिनिन अमाइनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं, और ये पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है क्योंकि इसमें अमाइनो ग्रुप होता है आर ग्रुप में। ठीक है, अमाइनो ग्रुप होने की वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं जो हिस्टोन को पॉजिटिवली चार्ज बनाते हैं। ठीक, तो हिस्टोन 5 टाइप्स के होते हैं, ये सबको पता चल गया। हिस्टोन है, पॉजिटिवली चार्ज है, लाइसिन आर्जिनिन से मिलकर के बने हुए हैं, इतना तो सबको अभी तक पता होगा। ठीक, अब हिस्टोन 5 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से 5 टाइप्स देख लीजिए। H1 को कहीं कहीं H5 भी लिखा होता है। ठीक है, दोनों एक ही है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि H5 भी कुछ होता है, H1 को ही H5 कहा जाता है। तो H1 H5 एक ही हो गए। फिर H2A H2B, H2 के 2 फॉर्म होते हैं AB, फिर H3 और H4। ठीक है, ये 5 टाइप के हिस्टोन पाए जाते हैं सेल के अंदर, और ये हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर के फॉर्म में अरेंज होते हैं। ऑक्टामर के फॉर्म में अरेंज होने का क्या मतलब है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, हिस्टोन पहले हमने ये अंदर वाले 4 सर्किल बनाए थे जिसमें हमने H2A, H2B, H3 और H4 नाम दे दिया। ठीक है, H2A, H2B, H3 और H4 जो हिस्टोन्स हैं वो डाइमर के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो H2A का 2 पार्ट होगा, H2B का भी 2 पार्ट होगा, H3 का भी 2 होगा, H4 का भी होगा। तो सबके 2-2 बना लिए हमने। सबके 2-2 बनाने पे टोटल ये बन कितने गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 बन गए। 8 इस तरह के जो सर्किल का कॉम्बिनेशन ही हम ऑक्टामर कहलाते हैं। जो भी हमने पिछले
पेज पे देखा कि हिस्टोन ऑक्टामर के फॉर्म में रहते हैं, तो वो यही ऑक्टामर है, ठीक है, जिसमें 8 अलग अलग सब यूनिट्स हो गई। अब इनको मिला के हम कहते हैं कोर हिस्टोन। अब इस कोर हिस्टोन में कहीं भी H1 या H5 नहीं दिख रहा है, ये बात आपको भी ध्यान रखनी है, कोर हिस्टोन में H1 या H5 नहीं होता। अब कोर हिस्टोन को प्रेजेंट करने के लिए हम एक सर्किल बड़ा बनाएंगे, जो हमने ब्लैक कलर का सर्किल बनाया हुआ है, इतना हम ज्यादा सब यूनिट्स बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो इसको रिप्रेजेंट करता हुआ एक ये लार्ज सर्किल हमने ब्लैक कलर का बनाया हुआ है, अब इसी को हम कोर हिस्टोन मानेंगे, ठीक। तो डीएनए रैप होता है कोर हिस्टोन के चारों तरफ। अब इसको अगर हम मान ले कि ये कोई बॉल है, ठीक है, इस बॉल के चारों तरफ ही डीएनए अरेंज होता है, लिपटा हुआ होता है। कैसे, ये देखिए, हमने ये चार कोर हिस्टोन बनाए हुए हैं, 1, 2, 3, 4 ब्लैक कलर से, जो ये कोर हिस्टोन है जो कि इस तरह का होगा एक्चुअल में, वो हमने यहाँ ब्लैक कलर से बनाया हुआ है, और इसके चारों तरफ हमने डीएनए को रैप कर दिया है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से चारों के अराउंड डीएनए को रैप किया हुआ है। अब इस रैप में क्या होगा कि एक कोर से दूसरे कोर के बीच वाला जो पार्ट होगा उसमें प्रेजेंट होगा H1 या H5 लिंकर, इसको लिंकर डीएनए भी बोलते हैं। तो H1 कहाँ प्रेजेंट होगा, दो ऑक्टामर के बीच में प्रेजेंट होगा, ठीक है, दो ऑक्टामर या दो कोर हिस्टोन के बीच में प्रेजेंट होगा लिंकर डीएनए या H1 डीएनए, इस बात को ध्यान रखिए। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बन जाता है इसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं, जो ये हमने यहाँ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग कहते हैं। बीड्स ऑन स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग मतलब एक धागे के अंदर अगर आप लोग धागे के ऊपर बीड्स लगाते चले जाइए, मोती लगाते चले जाइए, जिस तरह से धागे में मोती को पिरोना, ठीक है, तो जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक धागे में मोती पिरोए हुए हैं, ठीक है, इसीलिए इसको बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल भी कहते हैं, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल किसके लिए यूज होता है, न्यूक्लियोसोम के लिए। उसके आगे देखिए, H1 इज कॉल्ड लिंकर डीएनए प्रेजेंट बिटवीन टू कोर हिस्टोन, ये हम समझ चुके हैं। अब न्यूक्लियोसोम का जो साइज हो गया वो 10 नैनोमीटर हो गया, अभी तक डीएनए का जो डायमीटर था वो कितना था, 2 नैनोमीटर, लेकिन न्यूक्लियोसोम का जो डायमीटर, इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है उसका जो डायमीटर होता है वो 10 नैनोमीटर होता है। अब उसके बाद न्यूक्लियोसोम बन गया, अब न्यूक्लियोसोम के यहीं तक सीमित नहीं रहता, उसके बाद फिर से और कंडेंसेशन होता है, तो न्यूक्लियोसोम और कंडेंस होकर बनाता है सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड का डायमीटर होता है 30 नैनोमीटर। अब सोलेनॉइड दिखता कैसा है, सोलेनॉइड एकदम टेलीफोन वायर की तरह दिखता है, ठीक है, टेलीफोन वायर मतलब एक तरह से ये चीज बहुत ज्यादा क्वाइल होकर इस तरह से दिखने लग जाएगी, तो ये सोलेनॉइड मॉडल कहलाता है। और सोलेनॉइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 30 नैनोमीटर फाइबर किसको कहा जाता है, आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, क्रोमोसोम, क्रोमेटिड, न्यूक्लियोसोम, सोलेनॉइड, तो आपको इसमें लगाना होगा कि सोलेनॉइड, ठीक है, 30 नैनोमीटर वाला ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए आपको इसका साइज याद रखना है, इसका ये डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर है ये इसका, इसकी लेंथ नहीं है ये, इस बात का ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियोसोम की लेंथ थी 10 नैनोमीटर, सोलेनॉइड की 30 नैनोमीटर, और डीएनए का डायमीटर कितना था, 2 नैनोमीटर, ठीक है, ये इस तरह से चल रहा है, पैकिंग बढ़ती ही जा रही है, पैकिंग का लेवल देखिए। उसके बाद सोलेनॉइड जो टेलीफोन वायर था वो और कंडेंस होके बनाएगा क्रोमेटिन फाइबर, इस तरह से, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है क्रोमेटिन फाइबर का, और क्रोमेटिन फाइबर का डायमीटर होता है 200 नैनोमीटर। अब उस क्रोमेटिन फाइबर में कुछ रीजन ऐसे होते हैं जो थोड़े से कम उलझे हुए होते हैं या कम कंडेंस होते हैं, और कुछ ज्यादा ही कंडेंस होते हैं, इस तरह के रीजन होते हैं, तो जो बहुत ज्यादा कंडेंस रीजन होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, और जो कम कंडेंस रीजन होते हैं उनको हम यूक्रोमेटिन बोलते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के बारे में हम आपको पहले क्लास में भी बता चुके हैं कई बार, अभी तक ये आप लोग को रट जाना चाहिए कि हेट्रोक्रोमेटिन कौन सा पार्ट होता है, जो बहुत ही ज्यादा डेंस पार्ट होता है, और यूक्रोमेटिन लेस डेंस पार्ट होता है। यूक्रोमेटिन पे ही जीन्स पाए जाते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन रीजन में जीन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, मीन्स ये जेनेटिकली इनएक्टिव होता है और ये जेनेटिकली एक्टिव होता है। और जब स्टेनिंग की जाती है तो ये बहुत ज्यादा क्वाइल्ड होने की वजह से डार्क स्टेन करते हैं, और यूक्रोमेटिन ये थोड़े से खुले खुले स्ट्रक्चर है तो ये लाइट स्टेन लेते हैं, ठीक है, मतलब लाइट दिखाई पड़ते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब इसको देखते हैं, ये बहुत ही डार्क दिखाई पड़ते हैं। तो इसके हमने लिखे हुए कुछ इनके बीच में डिफ्रेंशिएशन वाले पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। और हेट्रोक्रोमेटिन वाला जो रीजन होता है, टोटल क्रोमेटिन का 70% पार्ट हेट्रोक्रोमेटिन होता है, और टोटल क्रोमेटिन का 30% पार्ट होता है यूक्रोमेटिन,
ठीक है, तो ये इसके बीच में डिफरेंस है, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक और पॉइंट भी लिख सकते हैं, जेनेटिकली इनएक्टिव का मतलब क्या है, इसमें जीन प्रेजेंट नहीं होते, और जेनेटिकली एक्टिव का मतलब है इसमें जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया क्रोमेटिन फाइबर का। क्रोमेटिन फाइबर और फिर से कंडेंस होते हैं, फिर से ये और आपस में उलझते चले जाते हैं और बनाते हैं क्रोमेटिड्स, और क्रोमेटिड्स का डायमीटर 700 नैनोमीटर होता है। क्रोमेटिड्स इस तरह से दिखते हैं, क्लास में भी मैं इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ, क्रोमेटिड इस तरह से दिखते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन फाइबर ही कंडेंस होकर क्रोमेटिड बनाते हैं, और ये क्रोमेटिड फिर और कंडेंस होते हैं जो क्रोमोसोम बनाते हैं। क्रोमोसोम इस तरह से, जब मतलब दो क्रोमेटिड आपस में एक तरह से मिल जाएंगे तो क्रोमोसोम बना लेंगे, और क्रोमेटिड का डायमीटर था 700 नैनोमीटर और दो क्रोमेटिड ही जुड़ के क्रोमोसोम बना रहे हैं, तो इसका जो डायमीटर हो जाएगा वो 1400 नैनोमीटर हो जाएगा। अब जब दो क्रोमेटिड आपस में जुड़ के क्रोमोसोम बनाते हैं तो इनका जो ज्वाइनिंग वाला पोर्शन होता है उसको क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं सेंट्रोमियर। इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, इसकी ज्वाइनिंग को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। मतलब जब क्रोमेटिड क्रोमोसोम बनाते हैं तो जहां जुड़ते हैं उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर को आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत सारा सेंट्रो सेंट्रो हो जा रहा है, तो आप लोग सेंट्रोमियर ये आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि सेंट्रोमियर क्या होते हैं, ठीक है। तो क्रोमेटिड और कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लिए, क्रोमोसोम के फॉर्म में ही रहता है डीएनए न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखाई पड़ता है, बेस्ट स्ट्रक्चर मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन में, ठीक है। तो क्रोमोसोम की जो स्टडी हुई वो मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन में ही, इस तरह का विजुअल होता है जब ये बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सेंट्रोमियर हो गया। अब जब तक क्रोमेटिन के फॉर्म में रहता है, क्रोमेटिन के फॉर्म में उसमें क्या है, हिस्टोन है और डीएनए है, लेकिन जब क्रोमेटिड बनाता है तो कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी आ जाती हैं उसमें। मतलब क्रोमोसोम और क्रोमेटिड्स पे कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी रहती हैं। वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होंगी ये आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स में क्या आ सकता है, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, या डीएनए रिपेयर के जो एंजाइम्स हैं वो सब, या डीएनए रेप्लिकेशन के जो एंजाइम्स हैं उनमें से कोई भी एंजाइम प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम पे प्रोसेस चलती रहती है ना कुछ जैसे रेप्लिकेशन की या उसके डैमेज को रिपेयर करने की प्रोसेस चलती ही रहती है। तो वो सारे भी तो प्रोटीन है, एंजाइम ही है, लेकिन प्रोटीन भी तो है क्योंकि एंजाइम प्रोटीन होते हैं। तो अगर हिस्टोन को हटा दिया जाए तो डीएनए पे जो भी प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन या एंजाइम क्रोमेटिड या क्रोमोसोम पे, उनको हम लोग नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स में काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियोसोम मॉडल, ये आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। इसको हमने एक बार समराइज करने की कोशिश की है कि किस तरह से डीएनए पैक होकर के क्रोमोसोम बनाता है। सबसे पहले देखिए, डीएनए 2 नैनोमीटर की डायमीटर का था जो न्यूक्लियोसोम बनाया, न्यूक्लियोसोम सोलेनोइड बनाया, सोलेनोइड ने क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर ने क्रोमेटिड और क्रोमेटिड ने क्रोमोसोम, ये इनका कंडेंस होते होते ये ऐसा बना रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि कंडेंसेशन कंडेंसेशन कंडेंसेशन, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है, ये डायमीटर लिखा हुआ है, आप लोग लिख लीजिए वरना आप लोग इसकी लेंथ मान लेंगे, डायमीटर है ये, ठीक है। ये इस बात का ध्यान रखिए, कोई लेंथ ना समझे इसको। तो इस तरह से ये कॉम्पैक्ट होके क्रोमोसोम बनाता है कौन, डीएनए, ठीक है। ये इसकी पैकिंग के डिफरेंट लेवल्स हैं, आप लोग इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, और इसको मेरे पहले वाले नोट्स में कंफर्टेबल है जो वो उसी को याद करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया डीएनए की पैकेजिंग एज अ क्रोमोसोम। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और वीडियो सब लोग देखें जिससे सबकी समझ में आए। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी, उस क्वेश्चंस को आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।